गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2, हम भी बने महान। उसमें हमने पहले वाला और दूसरा वाला देखा था, नहीं जो कर्तव्य और नियम सबके लिए, वहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब आगे का देखते हैं। सफलता का महत्व, सॉरी रहस्य। अंडर-14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपने टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठने की पूरी उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी, इले खाने के लिए। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें ढूंढने के लिए पूरी टीम लग रही गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, गोला मतलब की गेंद। बाद में गेंद दीवार से टकराकर वापस आ जाती थी, तो फिर दूसरे हाथ में लंबे से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम से शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात कैप्टन मतलब अपने हाथ आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव रख देकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए कि वो कोच ऐसे देखकर उसे सब हैरान हो गए। आगे चलकर उसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की थी। कई विश्व रिकॉर्ड उसके लिए कदम चूमने लगे। किसी ने अपनी सफलता का रहस्य पूछा तो वो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई भी नहीं, क्रिकेट की दुनिया सफलता के नित्य कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो पता चला वो कितना ऐसा सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत करता था। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन से ही सफलता के आधार है। हाँ, कोई भी हमें सफलता पानी हो तो पहले तो हमें एकाग्रता होनी चाहिए, अविरत अभ्यास को उसके बारे में अभ्यास करना चाहिए, और कठोर परिश्रम से ही, लगन से ही सफलता मिलती है। अब देखो नीचे प्रामाणिकता, तो वो तो आपको पता है हमें प्रामाणिकता रखना चाहिए कोई कुछ भी काम में। तो इसमें देखते हैं कि किसने एक कैसी प्रामाणिकता के बारे में बात की है। तो एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद सरदार अपने निजी काम के लिए उसके पास आए, लेकिन वो काम करने गया था तो वो क्या हुआ, अंधेरा हो गया, तो कि उसने मोमबत्ती जलाई और वो काम करने लगा। फिर से थोड़ी बाद वो सरदार अपने निजी काम के लिए, लेकिन निजी लेके अपना काम आए अपने पास, तो हजरत अली उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई, हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकाल कर चला दी। इले वो मेरी बुझी हुई थी, वो फिर से दूसरी उसने बुझाई, निकाल कर फिर से जला दी, सॉरी। सरदारों का को यह देखकर वह बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझा कर दूसरी क्यों जलाई, वह सरदार ने न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक तो मैं राजकाल का काम करता था, इसलिए राज की
मोमबत्ती जला रही थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, लेकिन अपना काम क्यों, दूसरा का जो सामने वाले का काम करता था तब उसकी मोमबत्ती मोमबत्ती, अब उसका काम कर रहा है तो वो बोलता है कि अब मैं मेरी मोमबत्ती जला हुए से। तो देखो भाई, अब मैं मेरा राज का काल का पहले तो राज काज का काम करता था, अब करता था इसलिए राज की मोमबत्ती जला रही थी रखी थी। अब तो निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मेरे चोर या हरामखोर कहलाता। हम तो क्या किसी का, चलो ना किसी की पेन हो तो बाजू वाले की पेन ले लेते और लिख देते, हम ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए तो पता है अपना काम है तो अपनी अपने जो अपना साधन है उससे ही हम अपना काम करेंगे, नहीं मुझे कोई करेगा एक चोर हरामखोर कहलाता है। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, हमें भी वो सीख मिलती है कि कोई भी काम करे तो हम क्या अपने हरामखोरी से बचकर रहना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो वह बहुत छोटी सी लगती है, पर वो बड़े महत्व की है। एक है वो छोटी बात लग रही है कि बहुत महत्व की। अब हम आबाद हो गए, राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में यह इस तरह की प्रामाणिकता हो। तो हमारे पुरखों ने कहा है कि माँ कृत कर्तव्य कर्तस्वी द धनम, किसी के धन माल के लालचा मत रखो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। सही बात है ना, किसी हम किसी पे ऐसा नहीं कि वो हमें पैसा दो, कोई हमें वो चीज़ दो, ऐसे ही हमें लालचा रखनी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट पता चला ना कि दो प्रामाणिकता और सफलता का रहस्य, पहले कर्तव्य, हमारा कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। तो और नियम सबके लिए एक ही होने चाहिए, और सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता। तो स्टूडेंट ये हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ, तो उसका आपका शब्दार्थ और अभ्यास स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना होगा। तो स्टूडेंट उसका देखो, पहले देख लेते निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये प्रश्न के बच्चे को बचाने के में देरी होती तो क्या होता, बच्चे को बचाने के तो दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है, तो क्या वो बच्चों को बचाया था ना, बच्चे को बचाने देरी होती तो वो क्या हो जाता, उसका एक्सीडेंट हो जाए या मर जाता। और दूसरा है, दूसरों की जान बचाने हमारा कर्तव्य, आप किस किन बातों का अपना कर्तव्य समझते हो कि हमारे दूसरों के लिए काम करना वही हमारा, लेकिन कोई गिरा हो तो उसे उठाना हमारा ही कर्तव्य है ना। और तीसरा है, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था क्यों, हाँ तो उसे रोक लिया था वो सही था, हाँ क्योंकि सबके लिए ना नियम एक ही है कि किसी को ऐसे अंदर आना देना नहीं चाहिए। आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई दी है, तो हमें जो अब हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ वो नीतियाँ दिखाई दे वो हमें लिखनी है। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परिश्रम, अब यार देखा ना हमें सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम करना चाहिए। आप किसके प्रामाणिक इंसान कहते हो कि हम अपना ही अपनी चीज़ किसको हम जो लोगों की तरह किसको हम धन माल लालचा मत करो, वही मनुष्य की सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। और दूसरा है, कोई भी अपने प्रसंग या सुना हो तो कक्षा में कहिए, ले कोई हमें ऐसा प्रसंग हुआ आपके पास तो हो पछे चर्चा करनी है। प्रश्न चार में पढ़िए और लिखिए करना है, परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए, परिच्छेद को विराम चिन्ह रखने जो बुक में अभी हमने पढ़े ना उसमें से देख के आपको विराम चिन्ह लिखने हैं। तो इसका अभ्यास के दो वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर उसमें ढूंढ के आपको
मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ, आप नोटबुक में लिख देना। थैंक यू स्टूडेंट।